मध्य प्रदेश में सरकार लघु उद्योग के लिए विशेष प्रयास कर रही है। विभाग के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा फर्नीचर क्लस्टर की जमीन का निरीक्षण करने बेटमा पहुंचे। मंत्री सकलेचा ने बताया कि बेटमा के पास छोटा बेटमा तालाब के पास देश का सबसे बड़ा फर्नीचर क्लस्टर बनाया जाएगा, जो करीब 450 एकड़ में बनाया जाएगा। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने दावा किया कि इससे करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। फर्नीचर निर्माता एक ही जगह अपना कारखाना लगाकर काम कर सकेंगे। उनके लिए बेटमा में करीब 450 एकड़ क्षेत्र में फर्नीचर क्लस्टर की योजना बनाई गई है। पहले चरण में करीब 100 एकड़ क्षेत्र को विकसित किया जाएगा और फर्नीचर निर्माताओं को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 महीने के बाद फर्नीचर क्लस्टर का काम शुरू किया जाएगा। कैसे प्रोजेक्ट शुरू किए जाए उसको लेके इंदौर में एक छोटी सी मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हम 5-6 जो क्लस्टर बना रहे हैं उनमें उनके सुझाव ले रहे थे। साथ ही हमारा फर्नीचर क्लस्टर और टॉय क्लस्टर जो पहले बन गया, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अप्रूव कर दिया, वो साइट के बारे में भी चर्चा करके सब लोगों की राय लेके आगे कैसे क्या करना उसकी चर्चा की। यहाँ की साइट अभी देखने इसलिए आए कि जमीन इन प्रिंसिपल हमने फर्नीचर क्लस्टर के लिए ये मार्क कर दिया।